हम मीडिया क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? आप लोग जिसका भी क्वेश्चन पूछना है आप लोग पूछ सकते हैं। आप लोग क्वेश्चन पूछने से पहले मेरा एक बस छोटी सी बात है रणबीर को लेके कि शादी करके बहुत ज़्यादा खुश है, ठीक है? और बच्चा करके भी बहुत ज़्यादा खुश है, बचपन से बाप बनना चाहता था, बाप बन के बहुत ही ज़्यादा खुश है, ठीक है? सारी इच्छाएं इसकी पूरी हो चुकी हैं, तो ये वाला सवाल अगर घर से लेकर आए हो तो काट दो, सिलेबस पे रहेंगे, ठीक है? जिसको मन करे पूछ लो, आ जाओ। सिलेबस के बाहर का क्वेश्चन नहीं पूछना है। हाँ, कोई पूछना ही नहीं चाहता क्या? रणबीर इधर, रणबीर भाई, रणबीर, रणबीर, आशीष कैसे हो आप? बस फसल, आप कैसे हो? मैं बढ़िया भाई। मतलब ये झूठी और मकार की जो कमाल की जोड़ी है, मतलब वो अलग ही लेवल पे जानलेवा होने वाली है। सुपर हॉट लग रहे हो आप इसमें बहुत दिनों से, क्योंकि लव के फिल्मों से ना लोगों को बहुत ज़्यादा वो जो एक रोम कॉम वाली फिल्में हैं, मोनोलॉग जो आपका दिख रहा है, वो सब चीज़ों के लिए बेकरार रहते हैं। अब जब आप दोनों इसमें इस तरीके से इस लीथल कॉम्बिनेशन के साथ आए हो, और बहुत दिनों से हम लोग को उम्मीद थी कि ऐसी कोई फिल्म आए जो लोगों को हंसाए, खिलखिलाए और खुशी भी दे विथ अ मैसेज, आप इसको कैसे देख रहे हो? हाँ, एक सेकेंड, बहुत अच्छा सवाल आपका, वेरी गुड क्वेश्चन। एक सवाल आप पूछो इनसे पहले। आप झूठे हो या मकार हो भाई? एक चूज कर लो। मैं तो आपका भाई हूँ, जो आप होगे वही मैं हूँ। आप अमेजिंग हो। ये नहीं, सही साफ जवाब देना पड़ेगा। और कौन भाई अपने भाई को हॉट कहता है भाई? हाँ। नहीं, इस सवाल का जवाब एक्चुअली बहुत लंबा है, सो आई ट्राई एंड कीप इट शॉर्ट। मुझे याद है जब मैंने प्यार का पंचनामा 2 जब रिलीज हुई थी और मैंने देखी थी, इज द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ मैंने किसी डायरेक्टर को फोन किया। झूठे। अच्छा, एक सेकंड, जो लव है, और मैंने कहा कि लव, मुझे फिल्म बहुत पसंद है, आई वुड लव टू कोलैबोरेट विद यू ऑन अ मूवी। फिर हम मिले, हमने बहुत अलग अलग आइडियाज डिस्कस किए, हमने एक फिल्म भी लॉन्च की थी अजय सर और मेरे साथ, जो लव डायरेक्ट करने वाले थे। फिर लव कुछ महीने बाद आके उसने मुझे आइडिया बताया, एंड सिंस देन वी बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स, वी स्टार्टेड डिस्कसिंग अ लॉट ऑफ आइडियाज, जो एक सिनेमा की फीलिंग होती है, आई थिंक वी वर वेरी लाइक माइंडेड ऑल्सो। एंड देन आई थिंक जो आइडिया ये लाया था, जो झूठी और मकार का जो आइडिया था, आई थिंक इट हैड अ लॉट ऑफ लव, इट हैड अ लॉट ऑफ वॉर्म्थ, इट हैड अ लॉट ऑफ वो फैमिली सी फीलिंग, इट हैड अ लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट। एंड ऐसे बहुत कम फिल्म मेकर्स हैं इस फिल्म इंडस्ट्री में जो इस किस्म की फिल्म बनाते हैं, तो आई वॉज रियली ईगर टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म। जैसे तूने पहले क्वेश्चन पूछा था कि ये जवानी है दीवानी के बाद तूने ऐसी फिल्म क्यों नहीं की, क्योंकि ऐसी फिल्म बनाना सबसे मुश्किल है। यू नो, वो आप बना तो लोगे रोम कॉम, बट रोम कॉम थोड़ी वेस्टर्नाइज हो जाती है। आप न्यूयॉर्क जाते हो, लंदन जाते हो, वहाँ शूटिंग करते हो, तो ऐसा लगता है कि अच्छा रोम कॉम बन रही है, बट एक्चुअली रोम कॉम सब इट्स इन द राइटिंग। एंड आई थिंक लव एंड राहुल बोथ आर एक्सट्रीमली फाइन राइटर्स एंड दे वेरी गुड डायलॉग राइटर्स। So it was truly a memorable experience, and I'm really happy that I got to be a part of this film. Se sawal se utna hi bada jawab tha mera. Bilkul bilkul, very good. Rahul and Love, Ranbir, Rahul sir and Love sir are very good editors also. Jo bhai maine nahi kati, Rahul ne katwaya. Jo idea tha movie ka, jo RK bata raha hai ki aapas mein discuss karte hain logon ne. Okay guys, you guys need to know. Ek ladka Delhi mein comedy kar raha hai, use bulate hain. You guys need to cut this out now. Uski bechti karte hain na, matlab. ये हो गया, अगला क्वेश्चन। ओके रणबीर, या स्ट्रेट। यस सर। किससे? माय क्वेश्चन इज टू यू रणबीर। यस। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, कांग्रेचुलेशंस ऑन अ फैबुलस ट्रेलर, दिस वन लुक्स टोटली लाइक अ विनर। एंड रणबीर, इट टुक यू सच अ लॉन्ग टाइम टू कम बैक टू दिस जॉनर, ये जवानी है दीवानी, अजब प्रेम की गजब कहानी, दिस इज योर जॉनर, एंड यू नो इट फील्स सो गुड टू सी यू इन दिस। यू ऑल्सो हैव एनिमल दैट्स रिलीजिंग दिस ईयर, यू ऑलरेडी हैड 2022 as a winning year with you for Brahmastra. Do we expect the same from you for this year? I hope. I mean, every year you have that expectation from your work. Yeah, I hope. Fingers crossed. Thank you for the compliment, though. Thank you. Expectation to hai, bhai. हाँ, उसके बिना तो नहीं था. Hello. Hi, Pooja Nawathe here from Awesome TV. Congratulations to the entire team. Trailer looks simply awesome. My question is to Shraddha. Shraddha, you're looking so stunning, so hot in the trailer. It's like never seen before Avatar, and fans are so excited. So tell me, how easy or difficult was it to portray this character? कोई क्वेश्चन पूछना उनसे? Shraddha, पहले एक तू पूछ। एक क्वेश्चन पूछो उनसे। क्या नाम बताया मैम आपने? पूजा। पूजा। Actually, I don't think it's about a character being. ये participate नहीं कर रही मेरे साथ? अरे इतने टाइम बाद मिल रही हूँ यार, मैं एक्साइटेड हूँ, आई एम एक्साइटेड टू सी ऑल ऑफ यू, सो हाँ, यू ऑल्सो,
एक्साइटेड टू सी हिम आल्सो. पूजा सुन लो क्या बोल रहे हो, बता दो करेक्ट है. तो ये जो प्रोसेस था इस फिल्म पे, द वे दैट लव सर डायरेक्ट्स, द वे दैट राहुल वाज गाइडिंग अस थ्रू एवरीथिंग ऑन सेट, मेरे लिए बहुत नया प्रोसेस था. एंड बहुत मजा आया टू सी दैट द वे दैट दे थिंक एंड द वे दैट दे मेक द फिल्म. उनके जो तरीके हैं, जिस तरह से उनको इतनी परफेक्टली पता है कि वॉट द कैरेक्टर इज, वॉज अ वेरी न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी. तो थैंक यू सो मच सर, यू फील दैट. एंड आई होप कि व्हेन यू ऑल सी द फिल्म यू एंजॉय द फिल्म एंड यू एंजॉय माय कैरेक्टर इन इट एज वेल. थैंक यू. हेलो एवरीवन हियर इन द सेंटर. या फर्स्टली कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू. दिस भाई ये झूठी की चेयर पे बैठा है ना, जस्ट मिक्सिंग इट अप. Okay. Yeah. So my question is to you, Love, only ki this is the first directorial you are trying with a new leading pair, and this is the first time them also coming together. So firstly, how did you kind of vision Ranbir and Shraddha coming together? Matlab, what was that clicked in your mind ki matlab inko saath lana hai? Yaar, jab aap rom-coms karte ho na, to usme pair ki bahut value hoti hai, right? Haan, actually film to Bassi ke hisab se likhi thi na, ki Bassi hero hai picture mein. तो मुझे वो डिसाइड करना था कि कौन दो बड़े स्टार्स हैं जो इसके साथ सपोर्टिंग करने के लिए मान जाएंगे. फिर जब मान गए तो उन्होंने मुझे निकाल दिया. हाँ, तो अब मैं अपनी नॉर्मल बात पे आते हैं, है ना. तो रोम कॉम में ना पेयर की बहुत वैल्यू होती है, और जो पेयर देखा हुआ होता है वो अपना बैगेज भी लेके आता है, राइट, उस अपनी एक्सपेक्टेशंस लेके भी आता है. तो अगर क्लीन स्लेट पे एक अच्छी रोम कॉम करनी हो तो उसके लिए बहुत जरूरी होता है कि एक फ्रेश पेयरिंग बनाई जा सके. और ये चांस की बात है दैट दे हैव बीन अराउंड फॉर सो लॉन्ग बट दे हैव नेवर बीन पेयर्ड टुगेदर. तो वो एक फ्रेशनेस जो है वो बहुत बड़ा रीजन थी इन दोनों को साथ में कास्ट करने का. हाय, शादमा दिस साइड फ्रॉम होम बॉलीवुड. यो बस्सी जी, मेरा सवाल आपसे ही है. आपने मेरे नाम उससे भी पूछा देख किसी ने. अरे उन्होंने मेरे नाम क्या के जी लगा दिया मेरा, हो गया. थैंक्स, बताएं आप. सो ऑब्वियसली आप स्टैंड अप कॉमेडी तो कॉमेडियन तो बहुत अच्छे ही हैं, लेकिन अभी तक आप बोलते आ रहे हैं कि एक मिनट का प्रेजेंस आपको मिला है, पर वो एक मिनट के प्रेजेंस में भी आप बहुत अच्छे लगे हैं. तो हम बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आपको फिल्म में देखने के लिए. वेल, बताइए हमें कैसा. कोई नहीं, बाहर जाके बोलेगा कि मैं पर्सनली जानता हूँ, मैंने बुलवाया था इनसे ये सब. तो बताइए हमें कैसा रहा आपका अनुभव, यू नो, रणबीर और श्रद्धा के साथ में काम करने का, स्पेशली लवरंजन सर के साथ में काम करने का. सीरियस जवाब दो. हाँ, सीरियस. सच सच बोल रहे हैं. लव सर से शुरू करता हूँ. आदमी जब मैं मिला था तो हम 5 मिनट में हम कनेक्ट हो गए थे, और उसके बाद से हम ऑलमोस्ट दोस्त ही हैं. ये आदमी ने जितना नुकसान मेरा करा कोई कर भी नहीं पाएगा ऐसे. दोस्ती में, वैसे नहीं दोस्ती में, पर जितना इन्होंने बोला उतना मैं करता गया. मैंने इनसे पहले तो नहीं बोला था कि सर इतनी खराब एक्टिंग मत कराना कि मेरा स्टैंड अप बंद हो जाए. तो इन्होंने बोला कि नहीं मैं करा लूंगा, कोई तो लोड नहीं है. तब से मैं इनकी बात पर विश्वास. ये बहुत अच्छा है फिल्म है, ट्रेलर पे मत जाना. बहुत लंबा रोल है और बहुत अच्छा है फिल्म में. किसी ने विश्वास नहीं किया पता है. सच बोल रहे थे ये, पर किसी को फर्क नहीं पड़ा. सच बोल रहा हूँ भाई, मत दिल रखो उसका. ठीक है, बाकी मुझे बहुत ज्यादा मजा आया. और मैं सच मुझे, मैंने बाकी किसी के साथ कभी काम किया नहीं है ऐसे एक्टिंग एक्टिंग, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आगे भी करूँ, तो मैं इसी आदमी के साथ करता रहूँ, क्योंकि मेरा बहुत अच्छी ट्यूनिंग बैठ गई है. थैंक यू. बाकी रणबीर और श्रद्धा, मैं बाहर से आया हूँ, मैं बॉलीवुड का पार्ट था नहीं, मैं बाहर से आया था. मैं इन लोगों से पहली बार मिला था. हम लोगों को बाहर से देखने में कुछ लगता है, कुछ हम अपना परसेप्शन बनाते हैं, कुछ भी है, बट जेन्युइनली एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि ये दोनों सुपर स्टार्स हैं, मेगा स्टार्स हैं, पर इन्होंने मुझे एक भी दिन एक भी सेकेंड के लिए रियलाइज नहीं होने दिया कि ये लोग सुपर स्टार हैं. और शायद एक बड़े आदमी की यही पहचान होती है कि वो किसी को छोटा नहीं दिखाता. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर. या इस आदमी ने मुझे 5 मिनट में छोटा भाई बना लिया था, तो तब से मैं हूँ. और बस बहुत अच्छा चला हमारा, बहुत अच्छा लगा मैम मुझे काम करके. बाकी काम कैसा लगा वो आप देख लेना, अगर इन लोगों ने रखा हो तो. किरण भी, श्रद्धा, पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारक. दिस इज सिमरन सिंह हियर, यहाँ पे लेफ्ट में, यहाँ पे. मेरा सवाल श्रद्धा और लव दोनों से, यहाँ पे लव सर, यहाँ पे. हाँ जी, यहाँ पे. तो पहली बात तो कंग्रेचुलेशंस फॉर द ट्रेलर. मेरा सवाल आपसे ये कि ऑल्दो द मूवी इज कॉल्ड टू झूठी मैं मक्कार, बट ऐसा क्यों होता है कि आपकी फिल्मों में हमेशा जो लड़की होती है वो विलन होती है? मतलब बीट प्यार का पंचनामा, सोनू टीटू, सोनू की टीटू की स्वीटी, या टू झूठी मैं मक्कार, झूठी एक मतलब लड़की होती है, श्रद्धा ही क्यों मतलब लड़की? भाई इसमें तो खुद को भी मक्कार बुला रहे ना, मतलब लड़का भी मक्कार है ना. आफ्टर द हार्ट ब्रेक, मतलब जो आपको आपको पता है ना मेरे डैड कौन है. ओ तो इसलिए. ऐसा नहीं है वो, आप देखना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हार्ट ब्रेक में है. ये भी मक्कार है, वो झूठी है. अब की बार दोनों बराबरी में है.
कभी हम ऐसा देख सकते हैं कि लड़का जो वही हार्ट ब्रेकर होता है और वही झूठा निकल भाई बाकी फिल्म मेकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ना उस मैटर पे कि लड़की सीधी है और लड़का चालू है ये तो 50 साल से लोग दिखा ही रहे हैं ठीक है सही है सर रणबीर अब ये वीडियो डिलीट करनी पड़ेगी ना लास्ट क्वेश्चन वी आर टेकिंग ओके ओके रणबीर ऑन योर लेफ्ट हाय रणबीर शादी से पहले जब भी आपकी लाइफ आउट ऑफ सिलेबस सिलेबस पहले की बात की पहले बोलो 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 शादी हटा दीजिए पहले की बात करते हैं जितनी भी लड़कियां आपकी लाइफ में आई हैं आपको कितने टाइम में आपको पता चल गया कि ये झूठी है एंड जब आपको पता चलता था कि ये झूठी है तब क्या चलता था आपके दिमाग में वो तो पता नहीं अगर कभी पता चला लेकिन ये पता चला कि आप मकार हो मैं मकार नहीं हूं मैं झूठा Ranbir, Justin here from Indian Express, towards your left. Hi. You know, recently you had said that this film might be one of your last rom-coms. A lot of fans disagreed with you and they were not happy. Is that a decision that you have rethought? Like, yeah, no. इसके पहले मैं को एक बात बोलनी है इस बात पे मेरी मेरा ओपिनियन क्या है कि एक तो उसने बात गलत बोली अगला बोल रहा है तो बोले कि दिस इज माई लास्ट रोमकॉम तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर को फायदा हो माइट बी माई लास्ट रोमकॉम का तो कोई मतलब ही नहीं होता ना स्टेटमेंट ही अजीब है भाई मुझे भी सेफ खेलना पड़ता है ना अगर पिक्चर हिट हो गई तो फिर से कर लूंगा अगर पिक्चर नहीं चली तो बोलूंगा नहीं डायरेक्टर में खोट था भाई ऐसी बात सोचने का भी नहीं I've done a lot of films in this genre. You know, I've done Bachna Hai Haseen, I've done Ajab Prem Ki Gazab Kahani, Ye Jawani Hai Deewani Anjana Anjani. ए दिल है मुश्किल समटाइम्स वॉट हैपन्स इज यू नो एक्टर्स हैव वेरी लिमिटेड फेसिस एंड अ पर्सनैलिटी एंड समटाइम्स यू रन आउट ऑफ देम यू नीड कैरेक्टर्स सो इट्स वेरी हार्ड आई थिंक रॉम कॉम जॉनर इज द हार्डेस्ट जॉनर वेन यू गिव मी अ कैरेक्टर सेव इन अ कैरेक्टर लाइक संजू और रॉकस्टार यू आर हाइडिंग बिहाइंड अ कैरेक्टर यू नो यू हैव सर्टन पैराफिनेलिया अराउंड यू टू वर्क विद सो दीज पार्ट्स आर वेरी हार्ड यू नो सो I'm just insecure, you know, that I don't run out of a personality so I can still keep delivering some entertainment through this genre. Shraddha? Actually, love, sir. का लव सर सेट पे ना हमें मिस्ट्री में रखते थे कि क्या सच हो रहा है क्या झूठ हो रहा है तो हमें पता ही नहीं होता था तो वी यूज टू बी सो कन्फ्यूज ऑल द टाइम एंड ही इज़ अ मास्टर ना मतलब वो उनको टेढ़ी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है तो हम भी सोचते थे कि मैं झूठी हूँ मैं या तू मक्कार है तो वो अभी आप फिल्म देखोगे तो वो पता चलेगा तो लेकिन ये पूरे टाइम ऐसे ही हुआ एंड दैट्स बिकॉज़ ऑफ लव सर अब मेरी बुराई हो रही है अब जो है रैप करेंगे क्योंकि दोनों यही है झूठे हां दोनों यही है बट थैंक यू भाई अब इस हाँ हमारा आज की सभा यही खत्म करेंगे थैंक यू तेरे को करनी थी सभा खत्म करते ना लेट्स डू अ फ्यू मोर क्वेश्चंस लेट्स डू अ फ्यू मोर क्वेश्चंस चलो ले लेते आर के बोलो ले लेते हां बताइए सर आप माइक ले लीजिए क्योंकि फिर बाकी सबको समझ में नहीं आएगा भूषण सर आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू एक सेकंड लेट्स लेट आस्क भूषण सर अ क्वेश्चन देन वी कम बैक भूषण सर हियर जी हाय सर विद Pathan getting the advance bookings and everyone is so excited to see SRK and I think after that this is the second trailer I am seeing the same kind of excitement here do you think 2023 is the year we are looking for at the box office to bring back everyone and especially the absolutely, Bollywood absolutely Pathan is carrying very good reports and the advance are very good and acha hai zyada filmein chalengi to hamari puri industry ke liye better hoga and this film is totally musical aapne dekha hai trailer mein aur isme music to bahut bahut zyada बहुत ज़्यादा गाने हैं और बहुत बढ़िया फिल्म है तो आई थिंक ये एक स्टार्ट होगा बॉलीवुड का वापस से 2023 में हाय रणबीर सर ओवर हियर बस ये लास्ट क्वेश्चन शुभजीत फ्रॉम IWM बज हाय शुभजीत आई वांट टू टेल यू समथिंग व्हेन आई सॉ द ट्रेलर इन टर्म्स ऑफ फिटनेस देयर इज दिस टू वेरी पॉपुलर वर्ड्स कॉल्ड थर्स्ट ट्रैप एंड स्नैक आई एम श्योर ऑल द गर्ल्स ओवर हियर दे एग्री दैट यू आर लुकिंग लाइक दैट गर्ल्स डू यू एग्री ही इज लुकिंग लाइक अ थर्स्ट ट्रैप एंड स्नैक और नॉट That's exactly what you're looking and you look like a 25-year-old Londa. That's what I can say. So ye jo hai freshness hai, vibe hai, despite everything, all the stress in terms of work. How do you keep yourself so fit and fresh in terms of everything? You know, I'll connect it to the same, it's a similar answer to that question. Because of the genre, it's such a hard genre, you know, to, because in this kind of films, you have to look good, you have to,
I mean, there's nothing like youth, so you have to try and look younger also. Of course, you know, when you write a rom-com for a certain age, that's different. But you have to work hard, you know. I think Shraddha, me and everybody on this film, we really believed in the story, we believed in the entertainment quotient that this film was delivering. So we all were inspired. You know, we all wanted to give our best. नहीं आपका माइक नहीं चल रहा मैम. तो हाय, दिस इज सरिता सिंह. रणवीर और श्रद्धा, सबसे पहले मैं कहूं कि ये झूठी और मक्कार दोनों बहुत क्यूट लग रहे हैं और आई एम रियली ईगरली वेटिंग कि इनकी कहानी क्या है. पर आप दोनों पहली बार साथ में काम कर रहे हैं, एक दूसरे के बारे में आप लोगों ने कुछ नहीं बताया. रणवीर, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? श्रद्धा, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि लव सर ने डिसाइड किया कि कार्तिक और नुसरत के अलावा ही वॉज ओपन टू वर्किंग विथ अस फ्रेश फेसेस. तो बहुत खुशी की बात हुई. सो थैंक यू वेरी मच लव सर. एंड एवरीबडी नोज दैट यू नो रणबीर इज सच अ फैब्यूलस एक्टर एंड आई हैव ऑलवेज ऑलवेज एडमायर्ड हिज वर्क. एंड ये एक्सपीरियंस करने के लिए ऑन सेट विथ हिम बहुत मजा आया एंड ही इज रियली सुपर्ब. चलिए गाइस, थैंक यू सो मच. ये हम यहीं पे खत्म करते हैं. मेरे तो ये भी लास्ट क्वेश्चन. मैं भी तो कुछ बोल लूं. अच्छा, आपको ही बोलना था क्या? सॉरी, हां बोलिए. सो आई हैव नोन श्रद्धा सिंस आई गेस She was born and I was born because our parents are friendly and so we've been friends for a long time. But working with her, I really realized that, you know, we share similar creative energies. I think she comes with the same kind of passion, dedication and fire, you know, to give her best. She's an actress who's loved by so many people. She's such a big, if you can say, a commercial box office superstar. So her coming into this film really gave this film a lot of value, and I think it is Love's genius that she casted both of us together. So thank you, Love. Thank you. I give you credit for this also. But yeah, it was amazing working with Shraddha, and I hope that we can do really amazing work together in the future. Chale. Chale. Thank you so much, guys. Thank you for coming. And pictures kaise honi hai, wo Love sir decide karenge, wo bata denge aap logo. Pictures aise hi hongi. Ye dur dur hi khade rahenge ye log. और इनकी साथ में कोई पिक्चर नहीं होगी. बाकी हम माइक दे रहे हैं. थैंक यू सो मच एवरीवन. थैंक यू, बाय. मेरा शो है, मैं जा रहा हूँ. यहाँ तो कुछ हुआ नहीं.